अब तक आपने देखा। आई, तू केतकी की बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है वो। सौरभ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं उसे काम दिलाने के लिए। क्यों घूर घूर के देख रहा है मेरी बीवी को? मैं तो समझ रहा था कि वो आपकी बेटी है। साले, ये क्या कर रहे हो? सौरभ जी, सौरभ जी कह रहा है। सौरभ जी, ये कोई गलती नहीं है। हाँ सही कहा तूने, उसकी कोई गलती नहीं, गलती तो तुम दोनों बहनों की है ना। प्यार करता हूँ तुमसे कल्याणी। अब देखिए आगे। कल्याणी, सच तेरी आवाज कितनी मधुर है। राजा सच कहता है, तेरे गले में सरस्वती का वास है। तू और केतकी जब गाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अरे लेकिन केतकी कहाँ है? मैं केतकी की रग रग को जानती हूँ, जरूर कोई बहाना बनाया होगा और सोती रही होगी। जा 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 उसको जगा। देविका, मैं देख रही हूं आजकल ना तू बहुत आलसी हो गई है। देख अभी राजा से तेरी शिकायत करूंगी मैं। राजा राजा देख ना, देविका बिल्कुल सुनती नहीं है मेरी बात। आई, आज जी अब ऐसे ही रहेंगी। ऐसे बीमारी का कुछ खास इलाज नहीं होता। कभी कभी वो सब कुछ भूल जाएंगी या फिर अचानक उन्हें सब कुछ वापस याद भी आ सकता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में उन्हें कोई सदमा ना पहुंचे। हाँ बड़ा, सब पांडुरंग से विनती है कि इस घर में और क्लेश ना हो। सत्तू तो बहुत मजबूत है बेटा, हर परिस्थिति को संभाल लेती है। तो मेरी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। 100% सही बात कही तूने देविका। ऐसी होनहार बेटी पर तो किसी भी माँ को गर्व होगा। लेकिन बुरा मत मानना कल्याणी, दिल नहीं मान रहा इसलिए कह रही हूँ। आखिर केतकी है तो तुम्हारी छोटी बहन ना, तुम्हें एक बार जाकर उसे मिलना चाहिए। हाँ ताई, केतकी को इस घर में लाना ही चाहिए। और वैसे भी इतने बड़े शहर में वो अकेली पड़ गई है, और इतना पूरा परिवार होते हुए भी उसके साथ कोई नहीं है। ठीक है,
हम सब मिलकर कल केतकी से मिलने जाएंगे। हाय। क्या करूं? विक्रांत जी को फोन लगाऊं? अगर वो किसी काम में व्यस्त होंगे तो कैसे पता चलेगा वो कहां है? दीपा को फोन करती हूं, उसे जरूर पता होगा। ऑफिस दीपा कल्याणी, विक्रांत जी है वहां पर। ओ हाय कल्याणी, सॉरी सर तो अभी स्टूडियो में नहीं है। कब तक आएंगे? आज तो शायद नहीं आएंगे, आज कोई मीटिंग भी नहीं है और ना ही कोई रिकॉर्डिंग है, इसलिए हो सकता है आज वो घर पे ही रहे। क्यों, कुछ जरूरी काम था क्या? अच्छा ठीक है, अगर सर आएंगे तो उन्हें बता देना कि मैंने फोन किया था। ठीक है। अच्छा सुनो सुनो दीपा, विक्रांत जी के घर का नंबर मिल सकता है? हेलो जी, नमस्ते, कल्याणी जी से बात हो पाएगी? नहीं। तो उनकी माँ से या घर में कोई भी उनका करीबी हो? अरे बाबा अभी घर पर कोई नहीं है, और वैसे भी मैं उनकी करीबी ही बात कर रही हूँ, आप मुझे बता सकते हो। वैसे बोल कौन रहा है? जी मेरा नाम शुभराज है और मैं हिंदी दर्शन अखबार से बात कर रहा हूँ। हम कल्याणी और विक्रांत खन्ना के बारे में खबर लिख रहे हैं, उसी के बारे में बात करनी है। ये जो उनके बीच में अफेयर की बात चल रही है इंडस्ट्री में, क्या ये सच है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अरे विक्रांत जी और कल्याणी तो बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ कल्याणी को अगर काम करते करते कभी देर हो जाती है ना, विक्रांत जी के यार रह लेती है। विक्रांत जी के साथ काम करते करते ही तो इतना सारा पैसा आया है। देखो अब फोन रखो जल्दी से, और दोबारा यार फालतू काम के लिए फोन नहीं करना, समझे? अच्छा कल्याणी और विक्रांत के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था, जो मैंने बता दिया। अरे शिवा क्या है ये सब, और इतने सारे कागज पत्र लेके कहाँ घूम रहा है? कहीं बाबूगिरी का काम शुरू कर दिया है क्या? आई बाबू नहीं, अब बाबू साहब बनने का वक्त आ गया। कल्याणी ताई चाहती हैं कि मैं उनका मैनेजर बन जाऊं, और ये सब उन्हीं की कॉन्ट्रैक्ट की फाइल्स है। मुझे इन्हें पढ़ना है और उन्हें बताना है कि इनमें क्या लिखा है और सभी शर्तें सही हैं या नहीं। वाह, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। कितने बेवकूफ है ये लोग, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक अकल नहीं आई इनमें, अनपढ़ और गवार के गवार ही हैं। पहले बाबा ने हस्ताक्षर कर भुगता, और अब ये कल्याणी खुद का काम तुम्हें सौंपकर खुद के लिए बर्बादी का रास्ता बना रही है। अब लोग अगर खुद ही कुएं में गिरना चाहे तो हम क्या करें? क्यों है ना वो सालेगा एक्सक्लूसिव फोटोज के साथ, मेरे ख्याल से हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाए, है ना? हाँ हाँ सौरभ भाई, बहुत है, खबर गर्म हो जाएगी इन फोटोज से। बस ध्यान रहे कि सबको, मेरा मतलब पूरी इंडस्ट्री को, कल्याणी और विक्रांत खन्ना के
इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से पता चल रहा है। स्टोरी के छपने के बाद कल्याणी की इज्जत इस तरह कचरा हो जाए कि उसे मुंह छुपाने की कहीं जगह भी नहीं मिले। हाँ, ये भी लिखना कि किस तरह वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है अपनी सफलता के लिए, जैसे कि उसने पहले मुझे और अब विक्रांत खन्ना के साथ वही कर रही है। और ये भी लिखना कि अपने घमंड और लालच में वो इतना डूब गई है, खुद के खून के रिश्तों को भी भूल गई। आपको पता ना केतकी उसकी सगी बहन है। बस ये सनसनी खबर कल के अखबार में छप जानी चाहिए। जरूर सौरभ भाई, बस आप कल का अखबार पढ़िएगा। तो बस आप चलिए काम शुरू करिए। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चलिए। कौन थे वो? चाय भी नहीं पी के गए। तुम औरत हो केतकी मेरी जान, हर एक काम से तुम्हें मतलब नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, ये मर्दों के बीच की बात है, उन्हीं के बीच रहनी चाहिए। हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खेत की वही गाएगी जो मैं कहूंगी, बिना किसी सवाल या जवाब के, बिना गाने के बोल पूछे या रिदम जाने। तुमसे जैसा कहा जाए तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, जानती हो ना? जी, मैंने पढ़ा है। गुड। ये जानती है। मेरा बस एक ही सवाल था, अगर आपसे पूछूं तो आप जवाब देंगे? पूछो, लेकिन जवाब देना तुम्हारे सवाल पे डिपेंड करता है। क्या आप कल्याणी को भी साइन करने वाले? और वो भी बहुत जल्द। क्योंकि उसके पास मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। वो विक्रांत को बहुत जल्द छोड़ने वाली है। ठीक है, तो हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। क्या हो? वो मेरा बैग अंदर छूट गया। अच्छा, कार पे आ जाना। मेरा बैग। ताई और विक्रांत, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हूं कि कल्याणी विक्रांत से अलग हो रही है?
क्योंकि कल्याणी सच जान चुके हैं और सच ये है कि विक्रांत शादीशुदा है, उसके दो दो बच्चे भी हैं। जहां तक मैं कल्याणी को जानती हूं, वो एक उसूलों वाली लड़की है और उसके लिए उसका अस्तित्व और मर्यादा बहुत ही मायने रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कल्याणी विक्रांत की रखेल कहलाना पसंद करेगी। आपने मुझसे कहा था कल रात को कि आप पीना छोड़ देंगे। हाँ, मैंने कहा था, मैंने कसम भी खाई थी ना, मुझे याद है। लेकिन come on बीवी, आज देखो कितना बढ़िया दिन निकला है ना, है कि नहीं? अरे आज तुमने प्रतिमा बोस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ऐसा दिन रोज रोज आता है क्या? नहीं ना। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। केतकी, cheers to you, the new star. अरे आज तो तुझे भी एंजॉय करना चाहिए ना, तेरा ही तो दिन है। आज तू भी मेरे साथ। देख, आज का दिन इतनी बड़ी खुशी का दिन है। चल, आज हम दोनों पियेंगे साथ साथ, केतकी और शराब। शराब जी मुझे नहीं पीना। अरे मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ, तू नहीं सुन। अरे हद हो गई यार, बोल रहा हूँ तुझे। तू मना कैसे कर सकती है मुझे? यार बेवकूफ है तू, बेवकूफ। सारी खुशी खराब कर देती है, मत पी। तू और तेरी वो बहन, दोनों के दोनों बेवकूफ। तुम क्या जानो जिंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं? नाक थाने की गवार लड़कियां। तुम नहीं जानती प्यार क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, कुछ नहीं जानते तुम।